ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। एक तरफ जहां कई लोग खुशी के मौके पर किन्नरों को अपने घर बुलाना शुभ समझते हैं और किन्नरों को पूजते हैं, वहीं गुरदासपुर में थर्ड जेंडर दो किन्नरों ने एक नौजवान को अपने जाल में फंसा कर पहले कई महीने उससे काम करवाया और बाद में धोखे से उसका गुप्तांग कटवा दिया। और जब इसके बारे में युवक की मां को पता चला तो मां की शिकायत पर पुलिस ने दो किन्नरों के खिलाफ मामला दर्ज कर किन्नरों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वही जानकारी देते हुए पीड़ित नौजवान ने बताया कि वह गुरदासपुर में माता के जागरण में काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था। एक जागरण में ही उसका संपर्क एक सोनिया नाम के किन्नर से हुआ। सोनिया किन्नर ने पहले उससे दोस्ती की और उसे अपने घर लेकर भी जाती रही, कई बार उसे अपने साथ प्रोग्राम करने के लिए भी ले गई। फिर सोनिया ने उसका संपर्क अपने गुरु परवीन किन्नर से करवाया और वह कई महीने किन्नर परवीन के घर काम करती रही। फिर कई महीने काम करने के बाद सोनिया किन्नर उसे घर नहीं जाने देती थी और उसके साथ मारपीट भी करने लगी। और एक दिन सोनिया किन्नर ने उसे नशे की दवा देकर उसे अमृतसर ले गई और वहां जाकर उसका गुप्तांग कटवा दिया और उसे परवीन किन्नर के घर छोड़ दिया। दो दिन के बाद वह वहां से भागकर अपने घर आकर सारी घटना अपनी मां को बता दी और पुलिस को शिकायत दी कि उसका गुप्तांग एक किन्नर ने कटवा दिया। सारी घटना अपनी मां को बता दी और पुलिस को शिकायत कर दी कि उसकी मांग है कि दोनों किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाम दीपक है, मैं प्रोग्राम करता सीगा जगरातियां दे आइटम करता सीगा। तो उत्थे ना परवीन खुसरा ते सोनिया खुसरा आए सीगे, तो उत्थे मेरी इन्हां नाल वाकफी हो गई। तो उन्होंने मेरी वाकफी हो गई उत्थे, ते मैं फिर इह मैनूं अपने घर लैके जांदे रहंदे रहे कि कहिंदे कि तू साडे नाल वी नच्चण जाया कर, प्रोग्राम ते जाया कर। तो फिर मैं जाता रहा उन्हें घर, तो इन्होंने मैं भांडे भूडे मैं घर माँजता रहा, रोटी बना रहा, ठीक है ना। तो जो इन्हें कोई खुसरा नहीं होना तो मैं सूट पवा के लैके जाते रहे नाल। तो फिर बाद चो सोनिया खुसरे घर परवीन खुसरा आया एक दिन पहले, उन्होंने पैसे दे के गया कि जाओ शॉपिंग कर आओ। तो मैं शॉपिंग कर चल गए, तो इन्होंने मैं जाते जाते पता नहीं कोल्ड ड्रिंक कुछ पिला के दिता वा। तो उस तो बाद ही मैं पता चलिया मेरे ना की होया की नहीं होया। तो फिर जो मेरे लिंक कटो गया तो फिर मैं पता चलिया हो शायद दूसरे दिन। तो फिर उन्हें को मैं लैके गए दीनानगर, उधरों लैके दीनानगर गए, उन्हें मेरे सगन बयान किए, नारियल भन्ने जो भी सगन किए वो भी सगन भी इन्होंने अपने कोल रख ले मेरे। तो बाद च फिर मैं सोनिया कुछ अपने डेरे लै गया, उत्थे जाके मैं मारते कुटते रहे हैं, काम कार कराते रहे। फिर जो एक दिन काम पर गए ना, तो उधर मैं पिछों की भज के आ गया। हूँ बस इंसाफ चाहते हैं सोनिया खुसरे ने तो परवीन खुसरे ने मेरी जिंदगी खराब करती है। साल रहे हैं पर सर मैं इन्ना नहीं पता कि इन्होंने मेरा ये काम करा देना वा, पर मेरा गलत होया जो भी इन्होंने किया। अंबरसर में लैके जाते पे से बस, उस तो बाद मैं पता कितने लैके गए कितने नहीं लैके गए। हाँ जी, हर एक इदा ही करते सर। हाँ जी, होर भी बथेरे बाबे आते उन्होंने घर, होर भी आते जाते सके, पर मैं इन्ना नहीं पता कि इन्होंने मेरा ये काम करा देना सर। इन्होंने मैं बहुत धोखेबाजी की मेरे नाल जी, करते हैं करवाते हैं। किस तरह पता लगा सर? इदा ही बस, ये मैं लै गए पहले भी इन्होंने किसी ने करवाया होया वा। तो हैगा एक अद्धा होर भी हैगा इन्होंने धारीवाल इधर इधर करवाया होया वा। वही पीड़ित की मां ने कहा कि उससे अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे थे कि वह उसकी शादी करवाएगी और उसका वंश भी आगे बढ़ेगा, लेकिन इन दो किन्नरों ने उसके बेटे और उसके परिवार की जिंदगी नरक कर दी है। धोखे से उसके बेटे को अपने जाल में फंसा कर उसका गुप्तांग कटा दिया है और उसकी मांग है कि परवीन किन्नर और सोनिया किन्नर पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुड़ के बाबे ये इन्हां दे कोल रहिंदा पिया रहण, उन्होंने नाल जो इन्हां को काम कुम करांदा रहा, अं बच्चे नाल गलबात करते रहे हैं। बच्चा साढ़े नाल खुल के गल नहीं कर सकता, अं जो भी कहें कि तू खुल के गल कर, जे तेरे ते कोई प्रेसर आ चाहे किस तरह, कहें नहीं मम्मा कोई मतलब यह जी कोई गल नहीं है कि लागे सारे मैं तेरे नाल की गल करा। जो इस बच्चे दे नाल की होया कि मुड़ के इनू लै जाते रहे भांडे भूडे मजाण वास्ते, इनू लालच पाया पैसे का, जो ये नहीं भी होंगे ही
बच्चे इन्हों का कोई नहीं कोई घर कोई बाबा हों मेरे बच्चे सूट पवा के भी लै जाते रहे पर सू इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे बच्चे की बाप मतलब इन्होंने की करना की ने मुड़के एक दिन होया कि मैं ना फोन लावा इन्हों तो मैं रात नींद नहीं आनी मैं कहना भी मेरा बच्चा पता नहीं की गल मैं नींद नहीं पी मेरा घर वाला कहता तू तो जान के टेंशन लेंदी रही कुछ नहीं सोचा मैं कह नहीं पता नहीं मैं मैं इस तरह लगता जिस तरह ना कुछ होने वाला आया कहता चलो कोई गल नहीं तू सो जा आराम मुड़के दो चार दिन होया ना मैं फोन लावा जो फोन लावा यदा सुच बंद मेरे घर वाले मैं क्या यदा सुच बंद आता फोन का कि पता नहीं की गल आ मैं फोन क्यों नहीं चुकता कहता कोई गल नहीं फोन जो कि बहर अंदर गए होंगे भी जगरातिया तो उदो सुच बंद ही कर देंगे तो कोई गल नहीं आपे आ जाएगा मैंने ना इस तरह ही हौली मतलब किसी ने दसाया कि इस तरह कि ता दीपक कितने आ बच्चा मैं क्या सा दीपक बच्चा तो गएगा वो मतलब भी बाबे नाल ही रहा मैं क्या हूँ बाबे भी लै जाते नाल तो जगरातिया वाले भी लै जाते जो यदा सुच बंद आए इन्हें ये नहीं कोई मेरी गलबात हुई फिर एक दिन मेरा बच्चा मेरे को आया मैं आके दसाया कि मम्मा इस तरह ये चीज़ा पूरी नीलिया हो एदियां वखियां दे उत्ते भी नील पे सारे ने वेखे ही उस टाइम तो जिहड़ी हालात ही ना मेरे बच्चे दी इहदे पूरे कपड़े जिहड़े ब्लड नाल लिबड़े दे ही तो जो आया कहिंदा मम्मा इस तरह मेरे नाल उन्होंने ना मेरा गुप्तांग जिहड़ा कटवा दिता हैगा मेरे नाल मेरे मतलब जिहड़े मेरे नाल ही मैं कहा बच्चे तेरे नाल किस तरह होया किदां नहीं कहिंदे मम्मा मैनू नहीं पता मैं कहा जे मतलब दस दे जे कोई तेरे मन की गल हैगी है कहिंदे नहीं मम्मा मेरे नाल इदां खड़िया उन्होंने मैनू इंसाफ यह चाहिए कि जे अज मेरे बच्चे नाल होया कल नूं होर किसे बच्चे दा नाल क्योंकि इस बच्चे नूं मैं कल नूं व्याहना ही जिहदे नाल मेरे बच्चे दा संसार चलना ही बच्चे होने ही क्योंकि मैं भी चाहती ही कि मैनू भी कोई दादी कहण वाला बने कोई कोई मतलब माँ दी भी हैगी आ पर इह कि अज मेरे बच्चे नाल होए कल होर किसे बच्चे नाल ना होए ते इहनां खिलाफ जिन्नी कारवाई की जाती है उन्नी की करो तुसीं बस वही इस मामले पर SHO गुरदासपुर जबरजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित की मां के बयान दर्ज किए गए हैं जिससे उसने बताया है कि उसके लड़के का परवीन किन्नर और सोनिया किन्नर ने धोखे से गुप्तांग कटवा दिया है। वहीं इस मामले की जांच की जा रही है और दोनों किन्नरों के खिलाफ धारा 326, 342, 328, 506, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल दोनों घर से फरार हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अरीटा पत्नी विजय कुमार मिशन कंपाउंड गुरदासपुर उसका लड़का ही दीपक कुमार उन्हें क्या दसिया मानजोग SSP साहब दरखास्त दी कि मेरा जो लड़का वा सोनिया किन्नर जो बहादुर शहरा रही उसको काम करता सी तो 20-25 दिन तो यदा कोई फोन भी नहीं आया फोन भी बंद ही ना ही घर आया तो ये हूँ थोड़े दिन पहले घर आया तो जिन्हें आके दसिया भी मेरा जिहड़ी सोनिया अपना किन्नर आ ये मैनू अमृतसर लै गई ही तो जिथे जाके इन्हें मेरा गुप्तांग कटा दिता उतों कटाने तो बाद ये परवीन किन्नर ने अपने दीनानगर के वो घर लै गए तो उतों फिर लड़का जिहड़ा किसी तरीके निकल के अपने घर आ गया है मानजोग SSP साहब नूं दरखास्त देण ते DSP सिटी साहब वालों इनकुआरी करन ते इन्हां दोवां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया वा सोनिया किन्नर ते परवीन किन्नर दे खिलाफ जिहड़े अपने घरां तों फरार आ उन्हां नूं गिरफ्तार करन लई हर संभव कोशिश की जा रही है।